नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। किसी शख्स का नाम ही उसकी सबसे पहली पहचान होती है। किसी भी जगह पर आप जाते हैं तो आपके नाम से ही आपको संबोधित किया जाता है और वही नाम आपका आपकी एक पहचान है। लेकिन क्या हो कि आपको आपके नाम की वजह से ही किसी प्लेटफॉर्म पर बैन कर दिया जाए? जी हाँ, सुनकर हैरानी होगी लेकिन ऐसा वास्तव में हुआ है। दरअसल एक महिला जिनका नाम स्वास्तिका चंद्रा है, उन्हें उनके नाम की वजह से उबर ईट्स पर बैन कर दिया गया। वो इसलिए क्योंकि जैसे ही उन्होंने उबर ईट्स पर रजिस्टर किया और वो खाना मंगाना चाहती थी, तो जैसे ही उन्होंने अपना नाम डाला, उबर ने एक पॉपअप भेजा और उनके नाम को आपत्तिजनक बताया। उबर ने इस हिंदू नाम को आपत्तिजनक बताते हुए इसे नाजियों से जोड़ दिया और नाजियों के प्रतीक चिन्ह से जोड़कर इस नाम को ही एक तरीके से कहा कि ये उबर ईट्स की जो पॉलिसीज है उनका उल्लंघन करता है। स्वास्तिका चंद्रा ने करंट अफेयर से इस मामले में पूरी जानकारी साझा की है। हालांकि उसके बाद उबर ईट्स को 5 महीने के बाद इस मामले में माफी भी मांगनी पड़ी। स्वास्तिका ने पिछले साल उबर ईट्स की ऐप से ऑनलाइन खाना मंगवाने की कोशिश की। जब उनका नाम पूछा गया, नाम एंटर करते ही उन्हें स्क्रीन पर एक पॉपअप नोटिफिकेशन दिखाया गया और कहा कि उन्होंने उबर की पॉलिसी का उल्लंघन किया है और ये नाम आपत्तिजनक है। उन्होंने करंट अफेयर को इस घटना की पूरी जानकारी दी है। दरअसल उबर ऐसा कोई भी नाम लिखने की अनुमति नहीं देता जो किसी के लिए आपत्तिजनक हो और इस तरह के शब्दों को फ्लैग करता हो। हालांकि स्वास्तिका नाम संस्कृत भाषा से जुड़ा हुआ है जो समृद्ध और सौभाग्य के प्रतीक स्वास्तिक को दर्शाता है। उबर ने इस नाम को एडोल्फ हिटलर के यानी कि नाजियों के चिन्ह से जोड़ दिया। हालांकि भारत में स्वास्तिक का मतलब सुख, समृद्धि और शांति से जोड़कर देखा जाता है, वहीं नाजियों में इसे विजय का प्रतीक माना जाता है, लेकिन एक दूसरे सेंस में, दूसरे तरीके से। महिला ने साफ किया कि हिंदू धर्म के अलावा एशिया में जैन और बौद्ध धर्मों में भी स्वास्तिक का ऐतिहासिक महत्व है। उन्होंने एसीए से कहा, उबर को नहीं पता कि हिंदू इस प्रतीक का इस्तेमाल हिटलर की ओर से इसके गलत इस्तेमाल के हजारों साल पहले से करते आ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे अपने नाम पर गर्व है, मुझे इसके साथ मिलने वाली सकारात्मकता पर विश्वास है और मैं इसे किसी के लिए भी नहीं बदलने वाली। हालांकि बाद में उबर ने इसको लेकर के माफी मांगी और उनका नाम एक बार फिर से एक्टिवेट कर दिया गया। उन्हें उबर ईट्स प्लेटफॉर्म पर फिर से एक्टिवेट कर दिया गया और ये सब कुछ संभव हो सका हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स अटॉर्नी जनरल के हस्तक्षेप के बाद। उबर ने कहा, हम इस चंद्रा से उन्हें हुई परेशानी के लिए माफी मांगते हैं और इस मामले को रिव्यू करने के दौरान उनके धैर्य की सराहना करते हैं जिसमें हमारी उम्मीद से ज्यादा वक्त लग गया। यानी कि कुल मिलाकर के उनके नाम को पहले तो आपत्तिजनक बता दिया गया और फिर जब उबर ईट्स को इसका भान हुआ कि उन्होंने गलती की है, तो उसके बाद उन्होंने फिर से इसे एक्टिवेट कर दिया और साथ ही साथ सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगी। क्या कुछ कहेंगे आप इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।